नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सोमवार को सुबह लगभग 9:30 बजे छात्र रुद्र प्रताप झारिया कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा छात्र को अपनी कुर्सी में बैठाते हुए कामकाज के बारे में बताया गया। छात्र को ये भी समझाया गया कलेक्टर को किस तरह प्रशासनिक कार्य करना पड़ते हैं। इस दौरान छात्र के माता पिता सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे। छात्र को कलेक्ट्रेट कार्यालय के अलग अलग कार्यालयों का भी निरीक्षण कराया गया। कलेक्टर की कुर्सी में बैठने के साथ कार्यालय के भ्रमण के दौरान छात्र में विशेष उत्साह देखा गया। छात्र को कलेक्टर के वाहन में कलेक्टर की सीट में बैठाकर भ्रमण भी कराया गया। इस पहल को लेकर सुबह से ही अन्य विभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंच गए थे। छात्रों ने बताया कि वो काफी उत्साहित था। गौरतलब है कि शनिवार को स्कूल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा छात्र को कार्यालय बुलाया गया था। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम धनवासागर के शासकीय मॉडल स्कूल का शनिवार को कलेक्टर ने निरीक्षण किया था। इस दौरान अध्ययनरत 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप जारिया से सवाल भी पूछे गए। रुद्र प्रताप ने कहा था कि उसे कलेक्टर से मिलने का सपना था। उसके पिता अखिलेश जारिया और मां राजकुमारी जारिया का सपना भी है कि वो कलेक्टर बने। कलेक्टर ने छात्र का सपना पूरा करने के लिए उसे एक दिन का कलेक्टर बनाया। कर रहा हूँ आपके साक्षी मान लो, मैं गलत भी करूंगा तो दंड दूंगा, क्योंकि भगवान महाकाल जो है न्याय के देवता है। अच्छा करोगे, अच्छा करेंगे, खराब करोगे दंड देंगे, है कि नहीं? लोग बुरे नाथ बोलते ना, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं होते, हजार जल्दी संभालते नहीं है। देखिए बस ये सारी दुनिया बेटा और कुछ नहीं है भाई। कल प्रोड्यूसर आई भैया है, बहन जो भी कौन है बहन है, जब ये बड़ी होगी तो इसको कैसी कमजोरी मिलेगी, ये हम आज तय करेंगे। जो आज मेहनत कर रहे हैं वो इसके लिए फायदा करेगी। तुम्हारे लिए तो क्या बहुत कुछ निकल गया, थोड़ा तो मुझे कर भी पाओगे, है कि नहीं? ये बड़ी होगी जो आज की मेहनत वो इसके लिए काम, सही है कि नहीं? अच्छा अस्पताल होगा, अच्छा स्कूल होगा, लोग काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, बस यही है। ठीक है, ये मेरे तो छोटा सा तोहफा है, ठीक है, बस अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? थैंक यू। अच्छा लगा तो बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छा।